प्रैक्टिस सेट 14.2 का हम फिफ्थ क्वेश्चन देख रहे हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ऑफ ए सर्टन प्रिंसिपल आफ्टर टू ईयर्स इज 4036.80 एट द रेट ऑफ 16% पर एनम। तो यहाँ गिवन क्या है हमारे पास, सबसे पहले पूछा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब आय पूछा है हमको। अमाउंट ऑफ ए सर्टन प्रिंसिपल, सर्टन प्रिंसिपल मतलब पी नहीं दिया हुआ है हमको, आफ्टर टू ईयर्स यानी एन इज इक्वल टू टू दिया हुआ है और अमाउंट दिया हुआ है 4036.80 एट द रेट यानी आर इज इक्वल टू 16%। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब हम फार्मूला लिखेंगे, ए इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट 1 + R/100 रेस टू एन। हमको ए आई मालूम करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन आई के लिए हमको पी की ज़रूरत पड़ती है, पी भी नहीं दिया हुआ इसलिए हम पहले पी मालूम करेंगे। तो ये हो जाएगा 4036.80 इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट 1 + 16/100 रेस टू 2। 4036.80 इसको हम ऐसे रहने देते हैं अभी, इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट, ये हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 100 + 16 116/100 स्क्वायर। तो यहाँ ये कैंसिल होता अपने 2 से, 2 5 ज़ा 10, यहाँ बचा 1 1 और ये 6 16, 2 8 ज़ा 16, ये हो गया 50। फिर हम लिखेंगे यहाँ 4036.80 इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट 58/50 स्क्वायर। तो ये भी फिर 2 से होता, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 8, 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 4036.80 इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट 25 से 29 को डिवाइड करके देखें, 25 फिर 1 का जाएगा, 10 - 5 1 5, 3 - 2 1, तो ये पॉइंट है इसलिए 0 उतारेंगे हम, 25 6 150। ठीक है, तो ये हो जाएगा p इंटू ब्रैकेट 1.16 का स्क्वायर। p मालूम करना है हमको इसलिए इसको यहाँ से हटा देंगे हम, देयरफॉर p इज इक्वल टू 4036.80/1.16 का स्क्वायर। अब यहाँ 1.16 करके बताते हैं हम आपको, 1.16 का स्क्वायर 36, कैरी क्या है 3, 6 1 ज़ा 6 3 9, 6 1 ज़ा 6, फिर 1 से करेंगे 6 1 1, फिर 1 से करना है 6 1 1, 6 9 + 6 15, कैरी का है 1 14, 3 1, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये आ गया हमारे पास 4036.80/1.3456। अब इसको डिवाइड करेंगे हम, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा,
यहाँ पॉइंट के बाद दो नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद चार नंबर है। तो अगर हम पॉइंट हटा रहे हैं तो ये हमने पॉइंट हटा दी लेकिन वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो क्या करते हैं हम, नीचे पॉइंट के इस तरफ जितने नंबर्स हैं उतने ज़ीरो ऊपर लगा देते हैं, और यहाँ पॉइंट के बाद जितने ज़ीरो है वो नीचे लगा देते हैं। पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतने ज़ीरो नीचे लगाते। तो यहाँ हम कितने नंबर ज़ीरो लगाएंगे, चार ज़ीरो, और नीचे लगाएंगे दो ज़ीरो। तो फिर दो ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हम दो ज़ीरो यहाँ लगाएंगे। ठीक है, अब हम आपको इसको डिवाइड करके बताते हैं। यहाँ साइड में डिवाइड करते हैं, 1 3 4 5 6, 1 3 4 5 6 से डिवाइड कर रहे हैं हम, 4 0 3 6 8 0 0 ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, तो अब यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ 1 है, तो मतलब हमको, हम 3 से करके देखते हैं इसको, 3 6 18, 3 5 15 प्लस 1 16, 3 4 12 प्लस 1 13, 3 3 9 प्लस 1 10, 3 1 3 प्लस 1 4 आ गया इतना। तो ये आ गया, 3 से करेंगे हम, 4 0 3 6 8। इसको देखना है हमको और इसको देखना है, ये 4 है ये 3 है, तो 4 से करेंगे तो ये ज़्यादा है ना 1 से, इसलिए हमने 3 से करके देखे इसको, तो ये माइनस हो गया। अभी हम बचे 3 3 0, तो ये लगा देंगे ऊपर हम, इजी है। तो ये हो गया 3000। ये क्या है हमारा पी। अब हमको पूछा था आई, आई इज इक्वल टू क्या था अपने पास, ए माइनस पी। तो a माइनस पी, ए कितना है हमारा, 4036.80 माइनस 3000। यहाँ पॉइंट नहीं है तो हम पॉइंट लगा सकते, ठीक है, कैसे लगाएंगे, 4036.80 माइनस 3000.00, ये 0 ये 8.6301, क्या आ गया, 1036.80। क्वेश्चन था हमारे पास फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये आ गया हमारा द कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 1036.80। और यहाँ रुपीस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th, ए लोन ऑफ 15,000 वॉज टेकन ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 12% पर एनम, फाइंड द अमाउंट टू सेटल द लोन आफ्टर 3 ईयर्स। तो यहाँ क्या दिया हुआ है और क्या मालूम करना है, पहले हम ये लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6th, ए लोन ऑफ 15,000, मतलब पी लिया हुआ है यहाँ पर, आर दिया हुआ है हमको 12%, और एन दिया हुआ है हमको 3, ए मालूम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख रहे हैं, पी है हमारा 15,000, 1 plus 12 upon 100 raised to 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें हमने,
हो गया 15,000। अब ये 100 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1.12 क्यूब। 1.12 का क्यूब क्या आएगा, यही करके बताते हैं आपको। 1.12 पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, फिर 1 से करेंगे 1 2 ज़ा 2 1, फिर 1 से करेंगे 2 1 1, 4 4 5 2 1, ये आ गया हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर इसको 1.12 से करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 plus 1 5, 2 1 ज़ा 2, फिर आ जाएगा यहाँ 4 4 5 2 1, फिर यहाँ आ जाएगा 4 4 5 2 1, 8 12 कितना आ गया, फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 क्या आ गया, 1.40498, ठीक है। अब इसको हम 15,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 ज़ीरो हम वैसे लिख देंगे, ठीक है। 15 का टेबल आता है आपको, 15 8 ज़ा 120, कैरी क्या है 12, 15 2 ज़ा 30, 30 plus 12 42, कैरी क्या है 4, 15 9 ज़ा 135 प्लस 4 139, कैरी क्या है 13, 15 4 ज़ा 60, 60 plus 13 73, कैरी क्या है 7, यहाँ पर लिख देंगे हम 7, 15 4 ज़ा 60, कैरी क्या है 6, 15 1 ज़ा 15 प्लस 6, 6, ठीक है। पॉइंट कहाँ आएगा हमारा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया हमारे पास में पॉइंट, तो ये आ गया हमारा ए, ए इज इक्वल टू, अब हम एक्स्ट्रा के पॉइंट हटा देंगे, ज़ीरो हटा देंगे यहाँ से, 21073.92। अब यहाँ कितने भी ज़ीरो लगाओ तो कोई इसकी वैल्यू नहीं है, बस ए 92, ठीक है। तो ये आ गया हमारा अमाउंट, तो द अमाउंट टू सेटल द लोन आफ्टर 3 ईयर्स विल बी दिस मच, हम लिखेंगे द अमाउंट टू सेटल द लोन आफ्टर 3 ईयर्स विल बी 21,073.92 और ये रुपीस, ठीक है, समझ में आया होगा। बाकी के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, अभी 4 बाकी रहते हैं इस एक्सरसाइज के। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए।